पेश है हिंदी जबान में अपडेट। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन प्रक्रिया राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के संबद्ध प्रस्तावों के प्रत्यक्ष विरोध में है। इस्लामी सम्मेलन संगठन जम्मू कश्मीर की जनता के स्वयं निर्णय के अधिकारों की उपलब्धि के लिए किए जा रहे प्रयत्नों के प्रति अपनी एकता को एक बार फिर दोहराता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष रूप से राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद को जम्मू कश्मीर में भारत की डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के गंभीर परिणामों का तुरंत नोटिस लेना चाहिए। इस्लामी सम्मेलन संगठन। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए पुनः गठित राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र की नवीन सूची में हिंदू क्षेत्रों को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मोदी शासन की डिलिमिटेशन की प्रक्रिया का लक्ष्य घाटी की मुस्लिम बहुसंख्यक स्थिति को समाप्त करना है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में नवीनतम डिलिमिटेशन प्रक्रिया मोदी शासन द्वारा 5 अगस्त 2019 को आरंभ किए गए अवैध उपायों की ही श्रृंखला है। मोदी को इस बात को याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की जेरीमेंडरिंग भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की यथार्थ स्थितियों को नहीं बदल सकती।